कहानियों की श्रृंखला में संगीता आप सभी को नमस्कार करती है। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। एक था सब्जी वाला और एक था कुम्हार। दोनों के काम पास पास में ही थे। एक सब्जी लगाता था तो उसी के बराबर में दूसरा बर्तन बेचता था। दोनों की शौक बराबर बराबर थी। अब एक दिन उन लोगों को अपना माल लेने जाना था, यानी अपना अपना सामान। सब्जी वाले को सब्जी लेनी थी और कुम्हार को बर्तन। जब दोनों मंडी पहुंचे तो दोनों ने अपना अलग अलग सामान पसंद कर लिया। बड़े अच्छे अच्छे मटके उठाए कुम्हार ने, और सब्जी वाले ने बड़ी ताजी ताजी बढ़िया बढ़िया सब्जी। अब उन्हें उन सब्जी और बर्तनों को अपनी दुकान तक लाना था। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा कि अरे ये सामान लेके कैसे जाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो दोनों आपस में बात करने लगे। कुम्हार भैया, आप मेरा एक बात मानोगे? सब्जी वाला बोला, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, बोलो क्या बात है। देखो भैया, ये बर्तन मेरे हैं और बहुत सारे हैं, और ये सब्जियां हैं आपकी भी हैं, तो क्यों ना हम एक ऊंट किराए पर ले लें। जब उसके दोनों साइड वो थैला टांगेगा तो एक थैले की साइड में मैं अपने बर्तन रख लूंगा और तुम अपनी सब्जियां रख लेना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी युक्ति है। इस तरीके से एक ही साथ, एक ही समय और एक ही पैसे में हमारा सामान पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरीके से हमारे समय की भी बचत होगी और हमारे पैसे की भी। चलो हम दोनों मिलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ा ही अच्छा सुझाव है। दोनों ने एक ऊंट वाले से बात की। ऊंट वाले ने कहा, हाँ भैया बताओ, क्या बात है, क्या समस्या है आपकी? तो उन्होंने कहा, हम दोनों दोस्त हैं और मेरे दोस्त को सब्जियां ले जानी है और मुझे अपने घड़े, तो हमें तुम्हारा ऊंट चाहिए, तुम बताओ कितने पैसे लोगे? तो ऊंट वाला बोला, भैया 50 रुपए से कम नहीं लगेगा। दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि 50 रुपए तो कोई उनसे एक से मांग रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तब उन्होंने कहा, अरे भैया कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, थोड़ा कम कर लो कम। सब्जी वाला भी बोला, हाँ भैया कुछ कम कर लो, 50 रुपया तो ज्यादा होता है। तभी ऊंट वाला बोला, ठीक है आप ऐसा करो, 40 रुपया दे देना। अब तो सब्जी वाला और कुम्हार और भी ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। और जल्दी जल्दी उन्होंने, सब्जी वाले ने एक साइड के थैले में अपनी सब्जियां डाली और ऊंट वाले के जो दूसरी साइड थी उसके अंदर बर्तन डाले। बड़े आराम से ऊंट चले जा रहा था। अचानक ऊंट की नजर बराबर की सब्जियों में पड़ी, जो कि चलते समय थोड़ी थोड़ी आगे को थैला होता जा रहा था। ऊंट के मुंह में तो पानी आ गया। ऊंट ने मुंह पीछे को किया और फटाफट सब्जियां खाने लगा। यह सब कुछ कुम्हार देख रहा था, लेकिन कुम्हार ने जरा भी उसको हटाने की कोशिश नहीं की। उसने देखा कि काफी सारी सब्जियां ऊंट खा गया है, लेकिन वो इस बात पर हंसने लगा। अरे तुम्हारी सब्जियां तो काफी सारी ऊंट ही खा गया, वाह 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 वाह। अब खा गया तो खा गया, लेकिन सब्जी वाले को गुस्सा बढ़ा आया। सब्जी वाले ने कहा, भैया कोई बात नहीं, लेकिन आप तो हमारे दोस्त हैं, आप थोड़ा सा हमें बता देते, हम थोड़ा सा थैला पीछे कर लेते। अरे मैंने भी तो अभी देखा कि तुम्हारी सब्जियां खा रहा है,
कोई बात नहीं, खा लेने दो, यही सोचा मैंने। मन ही मन कुम्हार बड़ा खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि इसका तो नुकसान हो गया है और इसको पैसे तो उतने ही देने पड़ेंगे जितने मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका सामान कम से कम पहुँचेगा। अब जैसे ही उन लोगों की शॉप आई यानी दुकान आई, तो जैसे ही ऊंट नीचे बैठा तो क्या हुआ, दोनों साइड का भार बराबर नहीं था। अब जिस भार साइड था, जिस साइड में भार ज्यादा था ना, वो पहले रखा गया और क्या हुआ, सारे घड़े टूट गए। अब तो कुमार ने अपना सिर पीट लिया। अरे अरे मेरे घड़े फूट गए, अरे मेरा घड़े फूट गए, ये क्या कर दिया भाई। ऊंट वाला बोला, अरे भैया इसकी सब्जियां कम होने की वजह से सारा भार इधर आ गया और जैसे ही ये बैठा आपके घड़े फूट गए। अगर कुम्हार थोड़ा सा भी ध्यान रखता तो भार का बैलेंस एक साथ रहता और इस तरह उसका नुकसान होने से भी बच जाता। तो मालूम है बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कि हमें कभी भी दूसरे के नुकसान पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही नुकसान हमें भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको कैसी लगी? आज के बाद आप कभी किसी की नुकसान पर, किसी के दुख पर नहीं हंसोगे ना, सबकी हेल्प करोगे ना, प्रॉमिस। तो आप जो बच्चे अच्छे अच्छे हैं, जो ऐसा करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे अपने नाम के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। फिर नई कहानी के साथ मिलूंगी।